दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा काला पीपल इकाई ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया है। काला पीपल में मंगलवार को विशाल धरने का आयोजन पंचमुखी चौराहे पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष व काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि आज देश में किसान परेशान है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। देश में जिस प्रकार से काले कानून लाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को मजदूर बनाने का काम किया है। किसानों के साथ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। किसान लगातार मांग कर रहा है कि इस काले कानून को रद्द किया जाए। साथ ही कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भारतीय बंद का सभी लोग समर्थन करें। भारत बंद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में होगा, जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। देखिए, इस देश का मूल किसानों का मूल है और ये देश किसानों के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी मूलतः किसानों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। लगातार देश में जिस प्रकार से काले कानून लाए गए, जिसके माध्यम से किसान को मजदूर बनाने की एक बड़ी साजिश, किसान के साथ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हर किसान इस बात की मांग कर रहा है कि इनको रद्द करा जाए, पर सरकार चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चल रही है और उस काले कानून का समर्थन कर रही है। स्पष्ट है, पूर्ण रूप से मेरा आग्रह, सभी जनता से आग्रह कि इसको बंद करें और शांतिपूर्वक रूप से किसानों के समर्थन का साथ दें और किसानों के इस आह्वान पर कांग्रेस पार्टी पूरी साथ में और मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ कि स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर बंद होगा और किसान के हक और अधिकार के लिए हर जागरूकता के साथ खड़ा हूँ। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।